अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रहे हैं दोस्तों, वो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट बड़े ब्रांड के लेवल पे है। बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, जो कि मैं आपको आज उस ब्रांड का थोड़ा रिव्यू देना चाहूँगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा मसल ब्लेस का MB का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ओके, आज हमारे पास में MB का मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन आ चुका दोस्तों, 100 ग्राम वाला। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये ट्रस्टी फाइट है, ये आप इसका दिख रहा होगा आपको बैचिंग, ये ट्रस्टी फाइट है। ओके, और ये माइक्रोनाइज्ड है, माइक्रोनाइज्ड बोलते इसको। और ये क्रे एम्प है, क्रे एम्प ये बोले तो एक इसमें कोई भी अगर आप क्रेडिंग यूज करते हो दोस्तों, जैसे मैंने एज इट इज का यूज किया है, उसके पहले भी मैंने क्रेडिंग यूज किया है। अभी क्रिएटिन में अब अगर आप देखो तो अनफ्लेवर होता है, कोई फ्लेवर इसमें मेंशन नहीं होता है, अनफ्लेवर बोले तो पूरा क्रिएटिन ही बताया जाएगा। मगर ये MB का जो है दोस्तों, इसके अंदर एक क्रे एब्जॉर्ब लिख के आया है दोस्तों। क्रे एब्जॉर्ब यानी कि ये बॉडी में कंज्यूम फास्ट होता है, क्रिएटिन आपके बॉडी में कंज्यूमिंग फास्ट होगा। मगर मेरा कहना है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये जो क्रे एब्जॉर्ब ये जो इन्होंने दिया है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बाकी क्रिएटिन में जो भी बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें जो कंटेंट बताए गए, जो कि इसका रिजल्ट, बहुत लोगों ने बोला कि MB का रिजल्ट बहुत फास्ट है, तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप क्रिएटिन अगर जो भी ले रहे हैं तो क्रिएटिन सभी सिमिलर स्पॉट पर होते हैं, ब्रांडिंग ब्रांडिंग का डिफरेंस है। ओके, तो MB एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, जिसको बताने की किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। MB एक ऊंचे लेवल पे एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है, तो MB को बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एज मैं GNC का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैंने एज इट इज का भी क्रिएटिन यूज किया है, अभी MB का मेरे पास में ये क्रिएटिन आ चुका है दोस्तों, जो है क्रे एम। अभी क्रे एम 100 ग्राम आया दोस्तों, जो कि मेरे पास अनबॉक्स है, जिसका सीलिंग मैकेनिज्म ये रहा दोस्तों। जैसे मैं बताता हूँ हर टाइम आपको, कोई भी अगर आपको सप्लीमेंट की ऑथेंटिफिकेशन चेक करनी है, तो सीलिंग मैकेनिज्म और इसका ट्रस्टिंग का लोगो आपको कंपनी से ट्रस्ट करना होता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ इस पैकेजिंग में था, जो कि मैंने ओपन कर रखा है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो ये दिख रहा है दोस्तों 2024 के अगस्त मैंने मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है, और इसका एक्सपायरी डेट बता रहा है फरवरी 2026 की। ओके, मैंने एक्सपायरी डेट अच्छी दे रखी है। और क्रेडिंग कुछ इस तरीके का दोस्तों, मैं आपको दिखा सकूँ या दिख रहा है आपको, तो इसमें जो दोस्तों, अभी मैं चम्मच दिखाना चाहूंगा आपको, ये दोस्तों MB का खुद का ये चम्मच आ गया 3 ग्राम का, पर सर्विंग आपको 3 ग्राम लेना है दोस्तों। हर एथलीट, हर बॉडी बिल्डर, जो भी आप जितने लेवल पे दोस्तों, आपको यही कंज्यूम करने को बोलेगा 3 ग्राम आप क्रिएटिन। अगर आप बिगिनर्स हो तो ले सकते हो दोस्तों, मैं खुद 3 ग्राम से यूज करता हूँ दोस्तों। तो मिक्सेबिलिटी इसकी चेक करेंगे दोस्तों, अभी तो हमने ऊपर से इसको कवर अप कर लिया। इंग्रेडिएंट्स क्या है दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स देख लिए इसके, अभी MB का है दोस्तों, ट्रस्टेड है, 3 ग्राम ले सकते हैं, 100 ग्राम का क्रिएटिन अनफ्लेवर है। और जहां तक बात करें MB की, तो आप, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, MB एक हाइपर लेवल ब्रांड है, बहुत बड़ा ऊंची लेवल ब्रांड है दोस्तों। तो MB का ये आपको बारकोड भी दे रखा है, स्कैन करके आप सब चीजें मेंशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो MB का क्रिएटिन यूज आप कर सकते हो दोस्तों, बेफिक्र होकर, बेझिझक लेके। मेरे को बहुत से लोग यही कहते हैं दोस्तों कि क्रिएटिन सेफ है या नहीं, बहुत से लोगों के मन में यही डाउट रहता है दोस्तों कि क्रिएटिन लेके तो पथरी हो जाएगी। ओके, स्टोन स्टोन हो जाएगा स्टोन। बहुत से लोगों का बोलना है कि भाई मर्दानगी खत्म हो जाती है, बहुत से लोगों का बोलना है कि भाई क्रिएटिन लेने से बहुत सी पेट की शिकायतें स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं खुद कब से क्रिएटिन ले रहा हूँ आप कुछ जानते हो दोस्तों। तो क्रिएटिन सेफ और सिमिलर है, सिर्फ आप ले रहे हो किस प्लेटफॉर्म से हो, क्रिएटिन यूज कौन सा कर रहे हो दोस्तों, इस पे डिपेंड करता है। ट्रस्टेड अगर क्रिएटिन लेते हो दोस्तों ब्रांडिंग का, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो चीज पे आप अगर पैसा फिजूल ना खर्चा करते, बिल्कुल ब्रांडिंग पे खर्चा करते हो दोस्तों, तो आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो फेस हो। मैं अभी तक जो भी क्रिएटिन यूज करता हूँ, जैसे GNC का है, एज इट इज का है, और भी मैंने ब्रांड के यूज किया है दोस्तों, मैंने सबका रिव्यू दे रखा है। तो ऐसे क्रेडिट यूज करो जिसके आपको दिक्कत ना आए दोस्तों। और आपको अगर MB का क्रेडिट यूज करना है दोस्तों, तो मेरे कमेंट में आप कमेंट कीजिए मेरे वीडियो के नीचे दोस्तों, और मैं आपको सजेशन दे दूंगा। और भी ऐसे कोई क्रेडिट रहे जो आपके बजट सेमली हो, आपको लेने जैसे, तो क्रेडिट तो सबके बजट सेमली है,
500 से लेके 200 से लेके 400 500 जैसे आपकी नीड रहे आप क्रेडिन ले सकते हो दोस्तों। क्रेडिन सेफ और सिक्योर है।